हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो होप आप सब बढ़िया होंगे। तो मैं आज आप लोग के लिए लेके आ चुका हूँ यहाँ पे स्विफ्ट 2024 फेसलिफ्ट वाला वेरिएंट। तो हम इस वीडियो में देखेंगे इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं इंटीरियर एक्सटीरियर इंजन में, क्या इसका माइलेज है। तो भाई वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना और पूरी देखना। तो भाई कुछ ऐसे देखने के लिए मिल जाती है हमें स्विफ्ट, आगे से मिल जाते हैं इसमें LED DRL, साथ में ही इसमें प्रोजेक्टेड हेडलैम्प मिल जाते हैं, साथ में नीचे हमें इसमें LED फॉग लैम्प भी मिल जाते हैं। कुछ ऐसे देखने को मिल जाती है हमें इसकी ग्रिल कंप्लीट चेंज कर दिया है, डिज़ाइन ऊपर ही मिलता है सुजुकी का लोगो। तो भाई कुछ ऐसे देखने को मिलती है आगे से। अब भाई बात करते हैं गाड़ी के पीछे से रियर लुक, तो कुछ ऐसा देखने को मिलता है रियर लुक, कंप्लीट LED सेटअप देखने को मिल जाता है बैक लाइट में भी बेस मॉडल से ही। साथ में मिल जाता है पीछे रियर वाइपर मिल जाता है, डिफॉगर मिल जाते हैं, ऊपर में एंटीना मिल जाता है और भाई कुछ ऐसे देखने को मिल जाती है पीछे से गाड़ी। साथ में इसमें रिवर्स कैमरा भी मिल जाता है, साथ में 4 पार्किंग सेंसर। तो कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है हमें इसका बूट। भाई ये हमें 265 लीटर्स का बूट स्पेस मिल जाता है जो काफ़ी डिसेंट है। तो और ये देख सकते हैं क्लोच है, ऐसे देखने को मिल जाती है इसकी रियर लाइट। अब करते हैं हम इसको बंद। तो भाई अब देख लो यहाँ पे पीछे, तो भाई कुछ ऐसा पीछे से देखने को मिल रही थी हमें स्विफ्ट। अब भाई बात करते हैं गाड़ी के आगे से, मतलब साइड लुक से कि गाड़ी कैसी लगती है। कंपनी ने इसकी थोड़ी सी हाइट कम करी है 4 से 5 mm, बट बाकी जो इसकी लेंथ है वो कंपनी ने बढ़ा दी है। तो भाई कुछ ऐसा देखने को मिलती है साइड से हमें स्विफ्ट, जो इसका पीछे का डोर का हैंडल था पहले ऊपर आता था स्विफ्ट का, वो नीचे दे दिया है कंपनी ने डोर पे ही। तो इसका जो अब हम बात करते हैं ग्राउंड क्लियरेंस की, 263 mm का इसमें ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। तो भाई काफ़ी बेहतर लगती है गाड़ी साइड से भी। अब भाई बात करते हैं गाड़ी के टायर साइज की, तो भाई इसमें मिल जाते हैं डायमंड कट के अलॉय व्हील्स, काफ़ी बेहतर देखने के लिए मिलते हैं। करें इसके साइज़ की बात तो ये हमें 185x65 आर 15 इंच के हमें इसमें टायर साइज देखने के मिल जाते हैं टॉप मॉडल पे। तो कुछ ऐसा था भाई इसका टायर। अब भाई बात करते हैं इसके ORVMs की, तो हमें ये मिल जाते हैं पियानो ब्लैक कलर्स पे, साथ में इंडिकेटर के साथ। अब करते हैं गाड़ी को अनलॉक, हमें इसमें मिल जाता है रिक्वेस्ट सेंसर, उसमें हम करते हैं अनलॉक। तो भाई बात है गाड़ी के इंटीरियर पे, तो कुछ ऐसा देखने मिल जाता है हमें इसका इंटीरियर कंप्लीट। अब गाड़ी करते हैं हम इंजन स्टार्ट, इसका इग्निशन ऑन करते हैं, तो कुछ ऐसा देखने के मिलता है हमें इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कंप्लीट एनालॉग में मिलता है। साथ में बीच में हमें एक MID स्क्रीन मिल जाती है जो कि डिजिटल वाली है, हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन देती है। तो यहाँ पे हमें मिल जाता है इसका टच स्क्रीन जो कि 10 इंचेस का है पूरा नया वाला। ऊपर मिल जाते हैं हमें लाइट्स के कंट्रोल, साथ में ही ये सनवाइज़र मिल जाते हैं। और भाई इसका जो डैशबोर्ड है थोड़ा सा एंगल चेंज किया है तो उससे काफ़ी मस्त स्पोर्टी लुक टाइप आती है। तो यहाँ पे देखते हैं ग्लव बॉक्स, छोटा सा स्पेस जो पहले भी मिलता था। साथ में हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है वायरलेस चार्जर, USB पोर्ट मिल जाता है। बाकी अब देखते हैं इसकी की, तो भाई वही वर्षों से चलने वाली आने वाली की जो मारुति के साथ आती है टॉप मॉडल्स पे। अब भाई बात करते हैं ड्राइवर साइड डोर्स की, तो हमें इसमें 4 पावर विंडो और ORVMs के कंट्रोल मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पे थोड़े कंट्रोल्स मिल जाते हैं ट्रैक्शन ऑन ऑफ और एडजस्ट स्टार्ट स्टॉप बटन के। तो कुछ ऐसा देखने को मिलता है पीछे से डैशबोर्ड। भाई बात करते हैं पीछे की, तो भाई काफ़ी डिसेंट स्पेस है, 2 हमें इसमें मिल जाते हैं हेडरेस्ट। बाकी यहाँ पे हमें वो नहीं मिलता है आर्म रेस्ट, बैक में नहीं मिलता है। बाकी अगर यहाँ पे देखें तो भाई रियर्स के लिए भी मिल गया हमें इसमें AC वेंट्स मिल गए, साथ में यहाँ पे USB चार्जिंग सॉकेट और मिल जाता है C टाइप चार्जिंग सॉकेट। तो भाई काफ़ी बेहतर है, यहाँ पे मिल जाता है हमें बूटर होल्डर यहाँ पे अनलॉक के लिए, बाकी विंडोज़ के लिए। तो भाई कुछ ऐसा है, बाकी 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं हम इस गाड़ी में सेफ्टी के लिए जो यहाँ पे ऐसे पिलर्स में दिख जाते हैं, बाकी 4 आगे देखने के लिए मिल जाते हैं। तो भाई बात करते हैं इसके इंजन की, तो हमें इसमें 1197 यानी 1197 cc का इंजन मिल जाता है, 3 सिलेंडर इंजन मिलता है जो कि हमें 80.46 bhp पावर और 111.7 Nm टॉर्क निकाल के देता है। साथ में बात करें इस गाड़ी में तो हमें 37 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है जो कि 25.75 km/L की एवरेज निकाल के देता है जो भी कंपनी क्लेम करती है। तो भाई बाकी बात करें इस गाड़ी की, जैसे कि बातें चल रही थी कि भाई इसने 4-स्टार रेटिंग ली है JNCAP में, तो भाई इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि इसमें एडास नहीं आता, तो इसमें ना ही अभी तक 4-स्टार रेटिंग आई है और ना ही भाई ये 40 km/L का एवरेज देती है, तो भाई ये सब झूठ है। तो भाई बात करते हैं इस गाड़ी के वेरिएंट की, तो भाई इसका जो बेस मॉडल वेरिएंट आता है LXI वाला वो हमें 7,30,000 रुपये का ऑन रोड पड़ जाता है। और भाई जो ये वेरिएंट है टॉप एंड वेरिएंट ZXI+ डुअल टोन वाला, ये हमें 9,14,000 रुपये का एक शोरूम और 10,24,000 रुपये का ऑन रोड मिल जाता है। तो भाई कुछ ऐसा था इसका रिव्यू, पसंद आया तो भाई लाइक करना, कमेंट करना। और भी भाई मैं स्विफ्ट के सारे वेरियंट्स की वीडियो लाऊँगा LXI VXI, तो भाई मेरे चैनल सब्सक्राइब कर देना और भाई नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। और भाई अब ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करना, उनको बताना कि भाई स्विफ्ट 2024 वाला वेरिएंट आ चुका है। तो भाई वीडियो पूरी देखने के लिए थैंक यू सो मच।